इस मूवी को लेके टीजर के मुकाबले ओपिनियन डेफिनेटली चेंज हुए। थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन, कोई बेचारा यहाँ हराम ज़्यादा। तो देखो यार, कल शाम को ना YouTube के ऊपर एक नई बॉलीवुड मूवी का जो ट्रेलर है वो हमारे सामने निकल के आया, जो कि एक कॉमेडी सिचुएशनल सस्पेंस थ्रिलर टाइप की मूवी होने वाली है, जिसका नाम है क्रू, जिसको लेके पहले मेरे ओपिनियन कुछ और थे, डेफिनेटली अब वो चेंज हुए हैं। अब ये मूवी किस बारे में होने वाली है, कब आपको देखने को मिलने वाली है और कैसा ये ट्रेलर बन के निकला है, आपको सब कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जो कि इसके ट्रेलर को देख के समझ में आई कि इस मूवी की स्टोरी फॉलो करने वाली है ऐसी 3 एयर होस्टेस को, जो कि अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। और जब उनको पता लगता है कि जिस कंपनी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दिखाने के साथ कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और, तो अब उनको अपनी कंपनी के बारे में एक ऐसा सीक्रेट पता लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सोने के बिस्किट्स हैं बहुत सारे। तो अब किस तरीके से तीनों की तीनों जो मेन लीड है वो प्लान बनाती है कि किस तरीके से प्लेन से सोने के बिस्किट्स लेके भागने हैं। तो अब उस स्टोरी को अंजाम देने के लिए उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या वो सोने के बिस्किट्स को वहाँ से निकाल पाएंगे या फिर नहीं, और इसी चक्कर में आपको बहुत सारी कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, अडल्ट ह्यूमर और जिस तरीके के डायलॉग्स इसमें सुनने को मिल रहे हैं, कुछ यूनिक, कुछ अच्छा, मतलब बहुत टाइम से बॉलीवुड के अंदर कॉमेडी को लेकर नहीं बना है, इससे काफ़ी तक इस तरीके की उम्मीदें हैं कि ये अच्छा काम करेगी। बात करें इसकी कास्टिंग के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है कृति सेनन, तब्बू, करीना कपूर, और इसके साथ में आपको कपिल शर्मा देखने को मिलने वाले हैं कैमियो रोल के अंदर, और साथ में आपको देखने को मिलने वाले दिलजीत। तो जिस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग देखने में लग रही है, जिस तरीके से कॉमिक टाइमिंग लग रही है, डेफिनेटली इसके लिए हाइप होना बनता है। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो ये आपको 29 मार्च को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें इस तरह के कुछ हाइलाइट्स के बारे में, देखो बहुत टाइम हो गया बॉलीवुड के अंदर एक अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं बनी है। अभी 22 मार्च को आने वाली है मदगांव एक्सप्रेस, उसका ट्रेलर भी बहुत ज़्यादा फंकी था और ऐसा ही कुछ ये भी साउंड कर रहा है, देखते हैं किस तरीके से होता है। बस सिर्फ ये उम्मीद है कि ये डिलीवर कर जाए, क्योंकि जिस तरीके का ये ट्रेलर है, जिस तरीके की मूवी है, डेफिनेटली जो इसके क्रिएटर्स हैं वो बहुत तगड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड की स्टीरियोटाइपिकल बाउंड्री को तोड़ने के लिए गट्स लगते हैं, डेफिनेटली इसको सपोर्ट करना बनता है। और बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से एक वो फीमेल साइड को प्रमोट किया जा रहा है और मेल साइड को लाइक डिमोट किया जा रहा है बिल्कुल ही, उसके ऊपर कोई आगे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम लड़के हैं, अपनी बेइज्जती को हम लोग बहुत सही तरीके से लेते हैं, मतलब मूवी है उसको मूवी की तरह लो। तो जिस तरीके से इसके डायलॉग्स लिखे गए हैं, डेफिनेटली वो मज़ेदार होने वाले हैं सुनने में, आपको रियलिटी चेक जरूर आने वाला है। और बात करें इसकी कास्टिंग के बारे में, देखो जिस तरीके से इसके अंदर आपको तब्बू देखने को मिल रही हैं और करीना कपूर खान देखने को मिल रही है अपने पुराने गोलमाल 3 वाले रोल टाइप में ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली वो तो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से कृति सेनन जो है वो इनको यहाँ पे साथ में मैच कर पाती है या फिर नहीं, वो एक देखने वाली बात है, लेकिन ट्रेलर वाइज जो उनकी बॉन्डिंग है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो अच्छी लग रही है। साथ में आपको देखने को मिल रहे कपिल शर्मा, इतने कमाल के कॉमेडियन है बताने की जरूरत नहीं है, साथ में देखने को मिल रहे दिलजीत, तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कास्टिंग वाइज मुझे लगता है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली। तो इन द एंड मैं आप लोगों से बस इतना बोलूँगा कि जिस तरीके से इसके अंदर कॉमिक टाइमिंग एक्टर्स की है, जिस तरीके से एक कमाल की स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है, जिस तरीके से कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है, और आज के टाइम पे ऑडियंस की क्या जरूरत है उसको ध्यान में रख के मूवी बनाई जा रही है, तो डेफिनेटली ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपको इसका टीज़र पसंद नहीं आया था, जाके इसका ट्रेलर चेक करो, मुझे पर्सनली वो पसंद आया। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द ट्रेलर ऑफ क्रू। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो का तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।